एक बूढ़ी माँ थी, और वो जो बूढ़ी माँ थी वो शिवजी की भक्त थी। बूढ़ी माँ जो थी वो शिवजी की भक्त थी। उसका बेटा, एक ही बेटा था, पति थे नहीं, उसका हो गया था विवाह, और बहू आ गई थी। बहू थोड़ी सी ऐसी थी, मतलब क्या कहें, समझ रहे हो ना आप, पैसे पे ध्यान रखने वाली, बाजार में घूमने वाली, शॉपिंग करने वाली, मॉल सॉल में। मम्मी कोई पूछे टोके तो पसंद नहीं, क्या भाई क्या है, मम्मी मम्मी नहीं बोलनी चाहिए, ये क्यों बोलती है, इस टाइप की थी पत्नी उनकी। पत्नी को बड़ा बुरा लगता था। अच्छा, वो बड़ी शिव भक्त थी बिचारी, मंदिर में गई जल चढ़ाई, मंदिर में गई बेलपत्र चढ़ाई, शिव जी की कहीं कथा हो रही है वहां बैठ गई, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना, इतनी अच्छी माँ, ना उल्टा बोलना ना सीधा बोलना, कुछ नहीं, उसे किसी से मतलब नहीं, वो अपने आप में मस्त मगन, अपने आप में मगन। लेकिन ये क्या करती थी, खुद तो अच्छे अच्छे भोजन बनाती थी, और अपनी माँ को, मतलब सासू माँ को, बासी भोजन कराती थी, कल का रखा हुआ या जो बेकार जाएगा वो खिला दिया। अधिकांश चावल ही खिलाते थे नमक के साथ। अच्छा, अगर हम यहां बहू को दोष दें तो गलत है, वो बेटा कहां मर गया। अगर कोई ये कहे कि बहू खराब है तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा, बहू खराब नहीं, बेटा खराब है। तुम्हारी मां के साथ कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है और तुम कुछ बोलोगे नहीं, तुम कुछ कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि तुम वासना से बंधे हुए हो, तुम गोरी चमड़ी से प्रभावित हो। या तो किसी की पत्नी नौकरी कर रही है, या तो किसी की पत्नी बहुत मलूक है, या उसके अपने व्यवहार हैं। मां के साथ हमारा व्यवहार नहीं, इसीलिए, क्योंकि हम अच्छे नहीं। ऐसा व्यवहार करती थी, लेकिन वो उसी में मगन थी, मां कभी शिकायत नहीं करती थी, भगवान भोलेनाथ का ही भजन करती रहती थी। एक दिन क्या हुआ, बहू को किसी बात पे सासू मां ने कहा कि बेटा ये जो तुम लेट लेट आती हो घर में वो ठीक नहीं है, थोड़ा जल्दी आ जाया करो। इस बात पे मुंह फूल गया उसका, कुप्पा सो मुंह फुलाए के बैठ गई। आप जानते कुप्पा किसको कहते हैं? नहीं, चलो मत, हमारे ब्रज में कहते कुप्पा सो मुंह फुलाए के कायकू बैठी है। अब जो तो हमें पता, आज तक हमें उन्हें पता चली कुप्पा का ही कहते, पर हमारे गांव में घरों में ये किसी एक किस की तरह मुहावरे की तरह इस्तेमाल होता है। ये देखो जी कुप्पा सो मुंह बना के बैठे हो, तो कुप्पा का है जी मुंह आज तक ना पता चली, पर मुंह बन जाए सो कुप्पा सो, तो वो भी कुप्पा सो मुंह फुला के, मतलब थोड़ी रूठ राट के केकई की तरह कु भवन में बैठ गई। पति आया शाम को, ए सुनती हो इमरती, इमरती ओ इमरती तो वैसे ही बिस्कपरिया बनी बैठी। बोले बाहर में गई इमरती अपनी मैया ते जाके बात कर, खबरदार कर मुझसे कुछ कहा तो। क्या हुआ माय डियर इमरती, व्हाई डू यू अपसेट, आई डोंट लाइक योर मॉम। अच्छा, कहा कह दई, अरे पता नहीं क्या क्या हमसे कहती है कि लेट मत आया करो, कौन है वो जो मुझे रोकेंगी, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। पति बोले लो ठीक है कोई नहीं, गुस्सा शांत करो, हम बात कर लेंगे। क्या बात करोगे तुम? अब बात नहीं करोगे, अब डिसीजन करो
निर्णय लो, या तो अब तुम्हारे संग तुम्हारी मम्मी रहेगी या फिर मैं रहूंगी। अच्छा बताओ, जितने पति बैठे हैं तुम्हें ये डिसीजन लेना पड़े तो क्या कहोगे? जिनकी पत्नी बगल में बैठी हो वो हिम्मत न करें उत्तर देने की, बताओ मम्मी को चुनोगे कि पत्नी को? हैं? जोर से, आई लाइक यू, सीरियसली आई लाइक यू। छोड़ने की बात नहीं हो रही है यहां, किसी का अपमान करने की बात नहीं हो रही है यहां, बात हो रही है माँ तो एक माँ होती है, माँ आंखों की ज्योति है, उनसे पूछो जिनके नहीं एक माँ होती, जिनके माँ नहीं होती उनसे पूछो उन पे क्या बीतती है। जिनको लोग कहते हैं ना अनाथ, उन अनाथ बच्चों के पास जाके बैठो कि हमारे पापा हमको डांटते हैं, हमारी मम्मी हमको पीटती है, तो वो बच्चे रो जाएंगे इसी बात पे कि हमें कोई डांटने वाला नहीं, हमें कोई पीटने वाला नहीं है, हमारी जिंदगी में हम क्या लिखा के लाए कि हम कुछ भी करें हमसे कोई ये नहीं पूछता कि तुम कर क्या रहे हो। जब जब तुम्हें अपने माँ बाप की किसी बात पे बुरा लगे ना, सोचना उन अनाथ बच्चों का क्या होता होगा जिनके कोई है ही नहीं, उन्हें कोई नहीं बता सकता ये सच है ये गलत, झूठ है ये सत्य है, ये सही है ये गलत है, कोई नहीं बताता उन्हें। इसीलिए वो भाग्यवान होते हैं जिनके माँ होती है, जिनके पिता होते हैं। वो इमरती रूठ गई, इमरती बोली बता मैं कि ये, और वो तुम्हारी तरह नहीं था। बोले तुम क्यों गुस्सा कर? बोले नहीं, दो ही रास्ते तुम्हारे पास, और ऐसे नहीं या तो इसे अनाथ आश्रम में भेज दो, और नहीं नहीं अनाथ आश्रम में नहीं, आज इसका सीरा सिलटाई दो, आज इसे गोविंदाय नमो नमः करो। कैसे? बोले मैं आज इसके लिए भोजन बनाती हूं बढ़िया बढ़िया, उसमें दवाई मिला के खिला दो, सो जाएगी, रात्रि में कोई देखेगा नहीं, रात्रि में जलाए आओ, मुखाग्नि दे दो। अच्छा कई बार ऐसी स्थिति भी बन जाती है, व्यक्ति स्त्री के इतने अधीन होता है वही करता है जो स्त्री कहती है, समझ गए? बोले यही उपाय ठीक है, मैं बाजार जाता हूं शाम कुछ लाता हूं, तू तैयारी कर। वो तैयारी करने लगी और वो बाजार से दवाई ले आया, समझ गए? दवाई कौन सी? गहरी नींद वाली, सोई जाए। इसने भोजन मिलाया, खीर बनाई, पूड़ी बनाई, कचौड़ी बनाई, अब महाराज घिस घिस में बढ़िया, और झट शाही पनीर में मिलाया के सब्जी खाओ माताजी, माताजी के सामने भोजन को थार सजो, 10 सालन ते कबू नहीं मिले जो आज थार मिल गो, माताजी ये भोजन करो। माताजी को थाली देख के हो गई टेंशन, माताजी बोली ये क्या चक्कर है, चली गई थाली धर के ना। वो सोच रही है आज तक तो इसने ढंग का भोजन भी नहीं कराया हमको, और आज इतनी व्यवस्था, आज हमने टोका भी इसे, जट समझने लगी कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, और न खाऊंगी तो फिर कल कुछ ना मिले। आज अगर मैं कह भी दूं कि मेरा पेट खराब है, कि मेरा मुंह खराब है, कि मेरा जी मचलाए रहो है, तो कल जी मचल जाएगी, कल ते वो चावरू न मिले। अब बड़ा धर्म संकट, महादेव को मानती थी, बोले बाबा तुम तो विष पान करने वाले हो, अगर याने कछुया में मिलाउदय हो तो अब तुम ही रक्षा करियो हमारी। और झट पी गई खीर है, खाए गई खीर पूरी ने सबन ने, पनीर भी सपा चट खत्म, का सपा चट हुआ तो खाते ही अम्मा लुढ़क गई, जहर नहीं था, बेहोश करने वाली दवा थी, प्लान ये था कि बेहोश करके ले जाएंगे और वहां चिता में जला के स्वा कर दें।
बेहोश हो गई, ये देख ही रहे थे, हाँ हो गई हो गई हो गई, झट उठा के ले गए, कंडा वंडा लगाए, लकड़िया बकड़िया लगाई, लकड़िया बकड़, जितनी बूढ़ी बड़ी ये कथा सुन रही है, सावधान रहना बहू को, आज के बाद डांटना मत, आज के बाद डांट दिया ना ध्यान रखना, न जाने कौन से दिन कंडान की जरूरत पड़ जाए। कहां थे हम? ले गए, पति चला गया, पति लेके गया मां को ऐसी पीठ पे लाद के चिता में। अब जब चिता में लुटा भी दी, ऊपर कंडा वंडा भी लगा दिए, अब जब देखी आग कैसे लगाऊं तो माचिस नहीं, अरे मैं तो माचिस भूल आया लगू, जडवा माचिस की याद आई, जेब में माचिस नहीं, तो बोले माचिस तो चाहिए, चलो मैं माचिस लेके आता हूं। वो घर के लिए तरफ भागा, गांव की तरफ भागा वो, और देखो महादेव की कृपा, जीत तो गए, माचिस लाए भी इतनी देर में, अम्मा आएगो होश, अम्मा उठ बैठी चिता में थे, और अम्मा बोली ओहो खीर में ये बादाम मिलाए गए थे, अच्छा होश आ गया, ठीक। अब बोली अब अगर मैं ऐसे ही घर चली जाऊंगी तो दोबारा मार देंगे मोए। तो आपने ध्यान दिया होगा पहले पेड़ों में, कई बार ऐसा, कई पेड़ आपको ऐसे भी देखने को मिले होंगे जहां पेड़ में जगह बनी रहती थी अंदर, क्या बोलते उसको, खोखला पेड़ होता है ना, उसमें अंदर खोखला था, उसमें जाके वो मैया बैठ गई अम्मा, ठीक। अब वो छोरा लौट के आया वहां से भाग भाग के, और जब छोरा लौट के आया उसने झट माचिस लगा दी, और उसको ये लगा अम्मा इसी में होगी, जला के गया। बड़ी ऊंची ऊंची, बड़ी ऊंची ऊंची लपट उठ रही, वो तो भाग गया, बोले मैया को सुहा है गई मैया, घर लौट गो, ये तो लगाए आंच गए घर। अब वो मैया सोच रही हाय हाय भोले बाबा, अगर मोह होश ना आए हो तो मैया की संग लपटन में हवाल सुहाय है गई होती, हे भोले तेरो भजन काम आए गए, हे शंकर भगवान तुमने हमारी बड़ी रक्षा करी, तुमने विष पान करके देवतान की रक्षा करी, तुमने तो हमारी रक्षा करी, भोले आप बड़े साक्षात का, बहुत साक्षात। मैया बड़ी अच्छा, उसी समय 10-5 चोर आए, चोर कहीं से चोरी करके लाए थे, और चोरी करके लाए थे तो वहां तो गिनने वाले थे नहीं कितना सोना है कितना पैसा है, कुछ नहीं, अधिकांश वो शमशान में ही आके बैठते थे, बोले यहां, क्योंकि शमशान में रात में कौन आएगा, वही अरे चिता जल रही है भैया, लाइट प्रकाश है रहो, यही गिन लो, बोले हाँ गिन लो। अम्मा ने देख लिया चोर है, और खूब पैसा है, खूब सोने की आवाज आ रही है, अम्मा ने बुद्धि लड़ाई, अब घर जाऊंगी तो धोता जाऊंगी फिर मार देंगे, तो कोई ऐसी व्यवस्था तो करो, कम से कम मारे नहीं, तो अब करूं कैसे, घर जाऊं कैसे, बोले उपाय है जी, चोरन को पैसा अगर मेरे अंडर आ जाए तो बहु बेटा दोनों सेवा करेंगे। अब वो पेड़ में बैठी, खोखले पेड़ में मात कर रही हूं, बड़ी बड़ी आवाज निकार हवा में दे, और जैसी आवाज निकारी और मां चोरन में भैया भगी पर गई, चोर भागे मई सब पटक के भाग गए कि भूत आएगो भैया भूत आएगो, अब नहीं छोड़े, अब खा जाएगो हमें, अब ना छोड़े, भाग गए सब। अब सब जब भाग गए तो मैया अब निकरी वहां में दे, और जब मैया खोखले में ते निकली तो एक ने वो मैया निकलती वही देख ली, अब तो वो भैया और जोर से भागो, अरे भूत ना है भूत नहीं है, खा जाएगी सबन ने, भागो रे, बहुत जोड़ते भागो रे, जिंदे रहे तो और कहूते चुरा लांगे, जिन छोड़ेगी ओ पेड़ में से प्रकट भैया, बड़ी जोर भाग गए सब। अर मैया तो कैसी भूतनी तुम्हें पता ही, तो वो तो भूतेश्वर महादेव की पूजा करे वाली, जट महाराज सवरेन को पोटरा बना लियो, अब पोटरा बांध बूंद के मूड पे धर के,
और जब ठुमक ठुमक बूढ़ी अम्मा गांव में लौट आई, और गांव में लौट आई ऊ अवई अवई लंबो पाम करके सोयो यो। कौन? इमरती को दूल्हा, इमरती को घरवारो, अवई सोयो। और जट जाए कि अम्मा ने दरवाजो खटखटाया, सुनो एका अरे खोल दरवाजे खोल। इमरती बोली जी का भयो, तुम ढंग से जरा के आए, पूरी आंच दे के आओ, लपट ऊंची ऊंची है गई जो तो जित तुम्हारी अम्मा की आवाज है। मुंह तो ऐसा लगे जे मर के भूतनी बन गई, अब ना छोड़े हमें, अब तो हमें खा जावेगी। अरे बोले ना इतनी जल्दी थोड़ी बन जाए भूत। बोले मुंह ना पता तुम ही खोलो दरवाजे। अरे जिंदन ते कोई ना डरे, भूतन ते सब डर पे। यू बड़ी अजीब समस्या है, जिंदन ते कोई ना डर पे। पति गयो, पति ने देखा था अम्मा ठाड़ी है, मूड़ पे पोटरी धरी है। अम्मा कोई बात ना बेटा, तेन तो अपनी सी कल लई, पर मैं अपनी सी करके लाई हूं। कहा कल लाई? जिका दर रहा गया तेन मूड़ पे। ए अम्मा माफ कर दे, अम्मा ऐसा हो को ना बेटा, कोई बात ना है, कोई बात ना है। जिका है ना है, हतो कछु हतो है, पर तुम अभी मत जाना। बोले ना 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 बता अम्मा का, बोले धोता है बताऊंगी। जटवा में तो 2-4 रुपया गिर गए। बहू ने देख ले, बहू की टकटकी बंद गई। ऐसा लगे अम्मा तो कहूं ते पैसा लिया ही लगे, या मुसमरी में पैसा ही पैसा है। बोले हाँ कछु लगे तो ऐसो रहो, कोई सोनो चांदी सो भी लग रहो है, पर अभी तो जराए के आई है, अभी तो कैसे मांगे, कैसे देगी। 16 अंदर सवेरे देखेंगे। बोले ठीक है। सवेरे अम्मा उठी तो बहू ने तुरंत कॉफी बना के भेजी, अम्मा कॉफी पियो। जऊ में मिला लाई है काबो पनीर वारो। ना ना अम्मा जी, तुम्हारे काज है, तुम आई पियो, पहले तू पी के दिखा। फिर वहां में तीन एक घुटवा ने पी ले, कछुना है अम्मा ने पूरी कॉफी। नाश्ता बना रही है कि ना? बोले कहा बनाऊ, आलू के परांठे, गोभी के परांठे, के बैंगन के परांठे, क्या खाओगे? बोल कौन से परांठे खाओगे? कछु भी बना ला, बना के लाए। अब तुम्हारा घी के परांठे आ रहे हैं, पनीर के परांठे आ रहे हैं, और माता जी है कहीं चालाक जो, पहले तू खा, जई में ते खा। अब तुम्हारी कॉफी ले, चाय ले, दूध ले, चक अम्मा की सेवा 10-5 देना भाई। और रोज पूछे अम्मा जा में कहा हो, अम्मा जा में कहा हो। बताऊंगी, सबे बता दूंगी, रुक जाओ। जट अम्मा बोली कि मैं शमशान में जब तुमने जराई, वहां मोई अपार संपत्ति मिली। ये देखो, बहू ने गिने तो महाराज कम से कम 85,000 रुपया वास में बहुत होते, बहुत सोना, बहुत चांदी। बहू बोली एक बात बताऊं तुम्हें? बोले हाँ। तुम्हारी अम्मा पे न मरे वो आवे, न धन कमाए वो आवे। अब बताओ, जब कोई देवता शमशान में इतने पैसा दे ही रहो, तो इतने लावे की जरूरत काही न, ज्यादा लिया आमती। एक काम करो, ऐसा लगे जी बूढ़ी है, जिन पे इतना ही चले होगो, तुम अब वो जरावे की प्लानिंग करो, और जब देवता आवेगा तो मैं ज्यादा ले आऊंगी। और अम्मा मत बताइयो। बोले ना बिल्कुल ना। जट दूसरी रात व देवी के संग हुई वह चिता बनाई वहां में बहू में, काय काजे कि मैं ज्यादा लाऊंगी, जवान हूं। और जट चिता में वो बहू बैठा दी और वो आवा में आंच लगाया और जाके घर में सोएगो। यूं सोच के कि कल धोता है बहू आवेगी हमारी इमरती, और इमरती का डायमंड लेके आवेगी, खूब माला माल लेके आवेगी। और जट सोएगो जी, देर तक चिता विता को काम चलता रहो, तो जी लेट तक सोमतो रहो। धोता है उठो, अम्मा उठी सबसे पहले, बोले आज कॉफी वॉफी ना दिख रही, कहां गई? न तो आज चाय आई, कछू ना आई, बहुत देर रह गई, कोई आ ना देख रहे तुम्हें तो कोई नहीं। जाने दरवाजो घटाया, अम्मा ने अरे छोरा सुनो का, कहा है कोई हतो घर में ना है?
फिर वहां ने हाथ मारे हो भाई तक मरती लौटी ना। अम्मा तू तो बाद ना या समय तक आए गई या समय तक मतलब बोल मैं तो जरा के आयो का तू कब तक आए गई। अम्मा बोली मैं तो जब ही आए गई मैया जी गई है पैसा ले भी देवता पे थे और मैं तो जरा आया हूं भाई तेरी तरह अभी तक लौट के आई ना। मैया बोली ले तू बजरा आया। बोले हाँ। बोले अब वो आनी ना है अब तो तू भजन कर शिव बाबा को। क्यों? बोले बेटा मैं तो शिव की भक्त ही तेरी माचिस शिव नहीं तो चुराई होगी वो ये होश कराए वारो शिव ही तो होगो जा शिव की मैं पूजा करवाने में बचा ली तेरी पत्नी ने तो जीवन में कबू काव को भलो करो ही नहीं और तू वा ऐसी बुद्धि भी दे दी वाय कि मैं ज्यादा कमा लाऊंगी तो देख वो सही रही बची भी गई। ये तुमने बड़ो बुरो करो ये तुमने अच्छो नहीं करो लालच की बुरी बलाए है अधिक धन पावे के चक्कर में तू अपनी पत्नी को चिता में जराया है। लेकिन लालची बहु का ये दुष्परिणाम इसलिए हुआ क्योंकि वो सासू माँ से नफरत करती है।